जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को गुरुजी के द्वारा बताई गई गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई हर एक चीज, बारीक से बारीक चीज को भी एकदम सरल भाषा में बताने का पूरा प्रयास करूंगी। गणेश चतुर्थी कब है, साल 2023 में तिथि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि के साथ ही तीन ऐसे उपाय जो कि गुरुजी ने स्वयं बताए, जिसकी वजह से भगवान बुद्धि के देवता यानी कि गणेश जी और साथ ही साथ रिद्धि और सिद्धि तीनों आपके घर में सदा सदा के लिए वास कर जाएंगे। यानी कि बुद्धि और पैसा दोनों आपके कदमों में होगा और ये दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर होती चले। कब करना है, कैसे करना है, कितने दिन करना है, क्या एक ही दिन करना है, सब कुछ आज के वीडियो में आपको पता लगने वाला है। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ ही अगर आपने अभी तक भी कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री बागेश्वर धाम नहीं लिखा है तो तुरंत ही लिख दीजिए। चलिए सीधे बात करते हैं मुहूर्त की। देखिए, साल 2023 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष का जश्न 10 दिनों तक मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी का भव्य स्वागत किया जाता है और घर में भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। इसके साथ ही विधि विधान से गणेश जी की हर दिन पूजा अर्चना होती है। 10 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विदा कर दिया जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल यानी कि साल 2023 में गणेश चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार तो इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर से दोपहर 2:09 से शुरू हो जाएगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया जाएगा। और जो भी भक्त गणेश चतुर्थी पर नई प्रतिमा स्थापित करते हैं तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है और भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए आप भी गणेश स्थापना करते समय शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको बता दें कि इस साल गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का शुभ समय 19 सितंबर 2023 को सुबह 11:07 से शुरू होकर 19 सितंबर को ही दोपहर 1:34 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में आप भी अपने घर गणपति बप्पा का स्वागत जरूर कीजिएगा। और अब बारी आती है उस अचूक उपाय की, जिसकी वजह से गणेश चतुर्थी पर उस उपाय को करके आप धन और बुद्धि दोनों के ही स्वामी बन जाएं। देखिए, धनवान बनने के लिए कोई आपको रोक नहीं पाएगा अगर आपने इन उपायों को कर लिया। एक उपाय तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, माला गूंथ कर आपको पहन लेनी है, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। गणेश चतुर्थी से इस उपाय को आपको करना है। देखिए, बुधवार का दिन गणेश जी को ही समर्पित होता है। आप चाहें तो इस उपाय को बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी का जो मुहूर्त है वो सबसे शुभ होता है इन कार्यों के लिए, इन उपायों के लिए। तो बुधवार को कीजिए चाहे गणेश चतुर्थी पर कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल गणेश चतुर्थी एकदम नजदीक में आ चुकी है तो आप उस दिन का इंतजार कर लीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन ही आप इस उपाय को कीजिएगा। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि दोनों ही आपके घर में शुभ लाभ के रूप में आपके घर में दौलत प्रदान करने वाले देवता हैं। देखिए, गणेश जी महाराज विघ्नों को तो हरते ही हैं, साथ ही साथ हमें बुद्धि और धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ देते हैं, क्योंकि उनके साथ ही आती है रिद्धि और सिद्धि यानी कि शुभ और लाभ। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, अन्न धन बरसता रहेगा। तो बस इन उपायों में से कोई भी एक उपाय भी आप कर लेंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बस इन उपायों को ध्यान से सुन लीजिएगा। कृपा करके इन उपायों को पूरे नियम के साथ ही कीजिएगा, इनमें कोई भी गलती की गुंजाइश मत छोड़िए। निर्धनता नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो भी आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सही वीडियो को देखने के लिए आए हैं आप। अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है आपको, तो गणेश चतुर्थी का ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिएगा। घर परिवार से जुड़ी हर समस्या का अंत हो जाएगा इस गणेश चतुर्थी के दिन। देखिए, हमारे चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आप सभी को भगवान से जोड़ना और इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपकी रूठी हुई किस्मत को चमका
चमकाना। आपको पता है कि किस्मत कितना जरूरी है, मेहनत आप सभी करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेहनत करने वाले ही इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन किस्मत का क्या करें, किस्मत कब धोखा दे जाए उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। बस अब सीधे उपाय पर आती हूँ। करना क्या है, गणेश चतुर्थी के दिन आप अपने घर की छत पर कुछ रोटी के टुकड़े, कुछ गेहूं के दाने और साथ ही में एक कटोरे में किसी भी जल पात्र में जल भरकर रख दीजिएगा। मानकर चलिए दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन अगर एक पक्षी ने भी वो दाना खा लिया, वो पानी पी लिया, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगला जो उपाय है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी उसके बारे में वीडियो बनाया था, आप सभी को पसंद भी आया था, कई सारे हजारों लोगों ने उस उपाय को किया था, सराहा था। करना क्या है, आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी जाकर देख लीजिए चूहे का बिल। जी हाँ दोस्तों, चूहे के बिल के पास जो मिट्टी होती है उसे आपको अपने घर लाना है। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले ही आप उस मिट्टी को अपने घर में लेकर आएंगे और लाने से पहले आप वहां जाकर गणेश जी को आमंत्रण देंगे कि आइए हमारे घर चलिए। देखिए, जो चूहा होता है वो भगवान गणेश का वाहन होता है, आपको वहां से उस मिट्टी को उठाकर लाना है और अपने घर के हर एक कोने में थोड़ी थोड़ी सी उस मिट्टी को छिड़क देनी है। ऐसा करने से भगवान गणेश की असीम असीम कृपा आप पर पड़ने वाली है और साथ ही साथ माता रिद्धि और सिद्धि भी आपके घर में आने वाली है। एक और उपाय जो कि आप सभी को करना चाहिए वो ये है कि अगर आप आक की जड़ की मिट्टी को अपने घर लेकर आते हैं और उससे गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं तो तत्काल ही आपकी गरीबी दूर हो जाती है, धन से जुड़ी हुई हर समस्या का निदान हो जाता है। जो भी भक्त इस प्रकार से मिट्टी से खन कर अगर गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करता है तो भगवान गणेश सबसे पहले उस पर प्रसन्न होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा धन से तंगी से परेशान है तो सफेद आक की लकड़ी को आप माला बनाकर अपने गले में पहन ले। ऐसा धारण करने से ही तुरंत ही आपकी समस्याओं का निदान तो होगा ही, साथ ही आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी बुद्धि खुल चुकी है, मार्ग दिखने लगे हैं, आपको पैसा कमाने के कई सारे सोर्स आपको नजर आएंगे और जिस भी काम में आप अपना हाथ डालेंगे उसी काम में आपको तरक्की मिलेगी। चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, या फिर नौकरी की तैयारी ही आप क्यों ना कर रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, एकदम बुद्धि, जिसको कहते हैं ना बुद्धि का ढक्कन खुल जाना, वही आपके साथ होने वाला है। इन उपायों को जरूर कर लीजिएगा, गणेश चतुर्थी किसे आप कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश गणेश चतुर्थी पर ना कर पाए तो 10 दिनों के अंदर आप कभी भी, यानी कि अनंत चतुर्दशी से पहले कभी भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। और अगर गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो सोने पे सुहागे जैसा ये काम करने वाला है। तो आप इन उपायों को जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। और अगर आपके निजी जीवन में किसी भी प्रकार की और भी परेशानियां चल रही हैं जिनसे जुड़ा हुआ उपाय आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से ही आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा कृपा करके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।